हौसे मासूम हलकों में बेहतरीन ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों और खाहरान को दीनी तालीम दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हुसैन मुर्तज़ा शिराज़ हिंद जौनपुर से। आज का हमारा टॉपिक है हदीसे किस्सा। एक बार की बात है, रसूल अल्लाह अपने बेटी के घर पे गए और उनसे कहा, मैं अपने बदन में कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, मुझे चादर यमानी लाके उड़ा दो। बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा जाती हैं और चादर यमानी लाके उन्हें उड़ा देती हैं। थोड़ी देर बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम घर पे तशरीफ़ लाते हैं और अपने वालिदा से कहते हैं, मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। उनकी वालिदा ने जवाब दिया, हाँ बेटा, तुम्हारे नाना उधर चादर में आराम फरमा रहे हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनके करीब जाते हैं और उनसे सलाम करते हैं और कहते हैं, क्या मैं आपके साथ चादर में आ सकता हूँ? रसूल अल्लाह कहते हैं, हाँ तुम आ सकते हो। बाद में वो अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर पे तशरीफ़ लाते हैं, अपने वालिदा को सलाम करते हैं और कहते हैं, मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। उनकी वालिदा ने जवाब दिया, हाँ तुम्हारे नाना और तुम्हारा भाई हसन उधर चादर में आराम फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते हैं और अपने नाना से सलाम करते हैं और कहते हैं क्या मैं आपके साथ चादर में आ सकता हूँ? उनको इजाज़त मिल जाती है और वो भी अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम घर पे तशरीफ़ लाते हैं और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से सलाम करते हैं और कहते हैं, मैं अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, हाँ मेरे बाबा और दोनों बच्चे हसन हुसैन उधर आराम फरमा रहे हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम उनके करीब जाते हैं और कहते हैं, सलामुन अलैकुम, और उनसे इजाज़त मांगते हैं, मैं भी आ सकता हूँ चादर में, और उन्हें इजाज़त मिल जाती है, वो भी चले जाते हैं। उसके बाद बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा के करीब आती हैं, उनसे सलाम करती हैं और ये इजाज़त मांगती हैं, मैं भी चादर में आ सकती हूँ। उन्हें इजाज़त मिल जाती है और वो भी चले जाते हैं। जब पूरे पंजतन इकट्ठा चादर में इकट्ठा हो जाते हैं तो रसूल अल्लाह अपना हाथ ऊपर करते हैं और खुदा से दुआ मांगते हैं, जिन्होंने इनको अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिन्होंने इनको खुश किया उसने मुझको खुश किया, उसने मुझको खुश किया। उसके बाद खुदावंद आलम ने तमाम फरिश्तों से कहा, ये चांद, ये सितारे, ये तारे, ये दरिया, ये सूरज, ये सब मैंने इन पंजतन की मोहब्बत में खल्क किए हैं। उसके बाद जनाब जिब्राइल आते हैं और आयत तत्थीर नाजिल करते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वजिल फरजहुम। من جاء بالوحي